अनुबंध पर काम कर रहे राज्य के स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। 17 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। 24 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मी आमरण अनशन पर चले गए हैं। बीते शनिवार को एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत बिगड़ गई थी, अब एक और स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत बिगड़ गई है। महिला को सदर अस्पताल ले जाया गया है। महिला का नाम शिवरानी कुमारी है, वह देवघर की रहने वाली है। बता दें कि 21 स्वास्थ्य कर्मी आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जब तक सरकार उनसे वार्ता नहीं करती है, उन्हें नियमित नहीं करती है, तब तक वह इसी तरह से अनशन पर बैठे रहेंगे। व्यवस्था है, जब रोस्टर ड्यूटी बांटा गया है चिकित्सकों के लिए, तो अनशन भाइयों के लिए यहाँ ना चिकित्सक रहेंगे, यहाँ ना स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे, ताकि स्वास्थ्य सेवा तुरंत पहुँचाया जा सके। कि कुछ हो जाएगा उसके बाद स्वास्थ्य सेवा पहुँचा के क्या होगा। इतना ज्यादा ब्रेथ रेस्ट लग रहा था उसको, पेन 40 इंजेक्शन के लिए हमने गया, हम एम्बुलेंस में गए कि एम्बुलेंस के किसी तरह पेन 40 तो नहीं, मेरे पास कुछ सुविधा नहीं। वहाँ जाते हैं तो सदर में तो जो इंट्राकैथ है वो भी नहीं लगा सक रहा है लोग, हम लोग खुद लगा रहे हैं इंट्राकैथ, हम लोग खुद स्लाइन ड्रिप कर रहे हैं लोगों का। तो यही सारी चिकित्सीय व्यवस्था करें, आखिर 16 साल का आक्रोश क्या होगा। इतनी बुरी स्थिति हमारी हो गई है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री से एक ही निवेदन करते हैं कि हमारा स्पेशल कैबिनेट बुला के हमारा नियमित कर दे, क्योंकि हमारा सृजित पद है, सृजित पद को सृजित करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हमारे सारे नियमावली सारा कुछ ओके है, तो फिर क्या दिक्कत है। 2014 में इसी सरकार के द्वारा एक बार पारा मेडिकल कर्मियों को नियमित किया गया है। वो चाहेंगे तो आंशिक संशोधन करके 2014 नियमावली के तहत ही हम लोगों को भी नियमित कर सकते हैं। पद भी सृजित है, सारे कुछ है, और हम लोग एक्सपीरियंस भी है, 16 साल काम करके हम लोग का ये 17 साल चल रहा है, तो हम लोग है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उस लायक नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती है। बाहर की इलाज के लिए नहीं आ रहा है, नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सारा कुछ हम लोग खुद ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है कि आगे वो कैबिनेट में हमारी बात को रखेंगे। क्या लगता है आप उनके आश्वासन से संतुष्ट है? संतुष्ट तो हम लोग नहीं है, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम लोग किसी भी आश्वासन पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आश्वासन हमें बहुत सालों से मिल रहा है, 16 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 16 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, 16 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिला है हम लोग को। हमारा तो सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण, वो भी हमें सरकार नहीं दे रही है। और हम क्या कुछ आगे की रणनीति होगी आप लोगों की? हम लोगों की रणनीति और आगे तेज होगी। हम लोगों ने 14-15-16 सालों से अपना जीवन इसी स्वास्थ्य विभाग में त्याग दिया है। इतना महामारी आई कोरोना वाली, जिसमें किसने अपनी जान गंवाई, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी ने अपना जान गंवाई, उसके एवज में हम क्या अपने बाप से हम लोग नहीं मांग सकते हैं कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए। हम लोग अपना जवानी स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है, तो अपना बुढ़ापा के लिए हम लोग स्थायीकरण मांग सकते हैं, हमारा हक है कि हम उसे मांग सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा आश्वासन बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत झेला है, इसलिए हम लोग ने इस आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।